हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे मेजर इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट यूनिट फोर के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था रिस्क इन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप लोग जाके चेक कर सकते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें बेलैकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हमारा मेजर इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो सबसे ज़्यादा हमारा सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसकी जो लोकेशन है वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज़ लोकेटेड ऑन वॉल स्टिक इन यू न्यूयॉर्क सिटी यू एस ए न्यूयॉर्क जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो वॉल स्टिक के अंदर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है यू एस ए के अंदर कब बना था ये 1792 के अंदर फॉर्म्ड हुआ था सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड के अंदर ये साइज है इसका द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द यूनाइटेड स्टेट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा लार्जेस्ट हमारा स्टॉक एक्सचेंज है और सबसे पुराना भी स्टॉक एक्सचेंज है लिस्टिंग्स मैनी वेल नोन कंपनी सच एज एप्पल कोको कोला एंड वालक मार्ट आर लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बहुत बड़ी बड़ी, बड़ी कंपनियाज कंपनी जो है वो इनके अंदर स्टॉक एक्सचेंज अपने करती हैं जैसे कि हमारी एप्पल है कोको कोला है वालक मार्ट है ये सब कंपनियाँ इसके अंदर अपने स्टॉक्स को एक्सचेंज करती हैं एक्स्ट्रा ट्रेडिंग हावर्स कितने घंटे तक हम इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं तो जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वो मंडे टू फ्राइडे ऑपरेट होता है एंड इसका जो सेशन होता है वो स्टार्ट होता है साढ़े नौ बजे से चार बजे तक नाइन थर्टी तु एम टू फोर पी एम तक ईस्टर्न टाइम के अकॉर्डिंगली Then ट्रेडिंग method द New York स्टॉक एक्सचेंज यूज an ऑप्शन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम नोन एज द ओपन आउटक्राई method auctions जो होते हैं ना आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े शहरों के अंदर auctions के जाते हैं उनके स्टॉक्स के और उसके अकॉर्डिंगली फिर उनकी ट्रेडिंग होती है बाय एंड सेल किए जाते हैं स्टॉक्स तो auction बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम का ही यूज़ करते हैं जहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं वो फिजिकली गैदर होते हैं और ट्रेडिंग करते हैं बाय एंड सेल करते हैं अपने स्टॉक्स को मार्केट इंडिकेट्स द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज़ होम टू सेवरल मार्केट इंडिकेट इंक्लूडिंग द डो जोशन इंडस्ट्रियल एवरेज एंड द एस एंड पी फाइव हंड्रेड मार्केट को इंडिकेट किया जाता है इसके अंदर जो होम हमारी सेवरल मार्केट्स इंडिकेट की जाती हैं जैसे कि जो डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है हमारी एंड एस एंड पी फाइव हंड्रेड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स का मतलब क्या होता है सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स एक मैथमेटिकल मेजर है मतलब कि एक नंबर्स की फॉर्म में हम मेजर करते हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट की क्या परफॉर्मेंस है कि किस तरीके से हमारी स्टॉक मार्केट चल रही है उसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है तो सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स इज अ मैथेमेटिकल मेजर दैट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टॉक मार्केट द मार्केट इंडेक्स इज अ हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज द इंडेक्स इज क्रिएटेड बाय अ फ्यू सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स दैट आर चूजन from अमंग्स the सिक्योरिटीज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन the एक्सचेंज एंड grouped टुगेदर सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स है वो एक मैथमेटिकल मेजर होता है जिसके अंदर हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि हमारे स्टॉक मार्केट की कितनी परफॉर्मेंस है और ये जो मार्केट इंडेक्स है ये हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियोज के ऊपर डिपेंड होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज के ऊपर यह इंडेक्स क्रिएट किया जाता है स्मॉल काइंड ऑफ स्टॉक्स के लिए जो हम चूज करते हैं सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी हमारे एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं और जो ग्रुप टुगेदर हो चुके हैं इसका मतलब कि जो हमारे इंडेक्स हैं जो क्रिएट किए गए हैं छोटे लेवल के ऊपर स्टॉक्स जो हमारे वो पहले से एक्सचेंज हो गए हैं जो हमारी सिक्योरिटीज हैं वो पहले से ही मिल चुकी हैं पहले से एक्सचेंज हो चुकी हैं ऑलरेडी उस चीज़ के अंदर वो लिस्टेड हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि क्या यूज़ रहेंगे सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स के हम उसको किस मतलब क्या क्या यूज़ रहेंगे तो फर्स्ट हमारा गैजिंग मार्केट सेंटीमेंट्स मतलब कि मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या चल रहे हैं इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं सेलर्स क्या सोच रहे हैं बायर क्या सोच रहे हैं तो क्या उनके सेंटिमेंट्स हैं इंडिकेट्स वेयर औरिजनलिटी सेट टू द रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ इन्वेस्टर ये हमें रिफ्लेक्ट करता है सिक्योरिटी मार्केट मार्केट इंडेक्स कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या मूड है Then, benchmarking for fund managers indicates are used as a benchmark against which an activity fund manager performance can be measured. But here is the index selecting should be in the line with the manager investment style. For example, performance of a manager investing in a small market capitalization stocks should be evaluated against an index and compromising. स्मॉल कैप स्टॉक्स एंड नोट लार्ज कैप स्टॉक्स इसका मतलब होगा कि हम ए इंडिकेट किया जाता है कि किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं किस तरीके से हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं अपनी जो मैथमेटिकल तरीके से हम जो हमारी सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं उन चीज़ों को मेजर किस तरीके से कर सकते हैं जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है कि मैनेजर है उसने इन्वेस्ट किया एक स्मॉल मार्केट कैपिटलिज्म के अंदर मतलब थोड़ी सी कैपिटल स्टॉक्स के अंदर उसने डाल दी उसके बाद उस चीज़ को हम इवेलुएट करके देखेंगे कि हमें जो प्राइजिंग है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर मिल रहा है या नॉट ए लार्ज कैप स्टॉक मतलब स्मॉल पे ज़्यादा मिल रहा है लार्ज पे मिल रहा है उस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेटिंग बीटा एंड रिस्क एट जस्टिड रिटर्न देखो एस्टिमेट लगाना देखो अगर हमें उसकी परफॉर्मेंस का मेज़र हम कर लेंगे मेजर करने के बाद हम अपने रिस्क को बता सकते हैं कि भाई इतनी परफॉर्मेंस आएगी तो इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने के अंदर हमें इतना रिस्क है तो उसका एस्टिमेशन लगाने में हमें सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स हेल्प करता है इन कैपिटल एसेट्स प्राइजिंग मॉडल्स टू की वेरिएबल्स आर बीटा एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज़ सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटीज़ विद द रिस्पेक्ट ऑफ द मार्केट बेटा का मतलब होता है ब्रैकेट में लिख रखा है इसके अंदर एंड इंडेक्स रिटर्न आर यूज एज अ प्रोफेक्ट फॉर द बोथ दिस मेजर सिक्योरिटी एक्चुअल रिटर्न आर कंपेयर टू इंडेक्स रिटर्न टू एस्टिमेट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो हमारा सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स है वो हमें हेल्प करता है यूज़ में हम लेते हैं मेज़र करने के लिए कि जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं उनसे हमें एक्चुअली रिटर्न कितना मिलेगा और हमारा एस्टिमेशन कितना है और जितना हमारा एस्टिमेशन है कितना हमें उससे मिलेगा जो हम एस्टिमेशन कर रहे हैं तो उस चीज़ के अंदर में रिस्क कितना है उसको मेज़र करने में हेल्प करता है नेक्स्ट है प्रोएक्सी फॉर एसेट्स क्लासेज इन एसेट्स एलोकेशन एक्सरसाइज हिस्टोरिकल रिटर्न ऑफ एन इंडेक्स फ्रॉम द बेसिक ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिशन फॉर द एसेट क्लास इन द इंडेक्स क्लोजली रिप्रेजेंट्स इसके बाद क्या है कि अलोकेट करता एक्सरसाइज को हिस्टोरिकल रिटर्न को हमारा इंडेक्स क्या है हमारे कितने एक्सपेक्टेड रिटर्न होंगे कितना हमारा स्टैंडर्ड डिशन होगा उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है क्लोजली उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है Last but not least, our Model Portfolio for Investment Products. Increase signally in investors are selling products that mimic and establish index. Such an approach leads to lower cost as no active management is required. For example, exchange traded funds or ETF are popular investment vehicles for investors who want and risk and returns especially in line with a particular index. इसके बाद ये इंक्रीज करता है इन्वेस्टर्स की जो हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं ना उनको एक्स्टब्लिश करने के लिए जैसे जो हमारी अप्रोच है कि क्या हमारा क्या कॉस्ट रहेगी लो कॉस्ट रहेगी कितनी हमारी किस तरीके से हम उस एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं किस तरीके से हमें उसको मैनेज करने में क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी इसका एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने कि जो एक्सचेंज ट्रेडिड फंड्स हैं ई टी एफ हैं वो एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए जिसके अंदर रिस्क एंड रिटर्न जो है वो स्पेशली बताया जाता है लाइन के अंदर होता है और पर्टिकुलर इंडेक्स के अकॉर्डिंगली ही होता है इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा मेजर इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एंड सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कॉमेंट्स एक्शन मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको इन टॉपिक्स की पी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है आप उसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो करें फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो